लगेगा यानी कि मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगेगा वो, मुझे तो लगता ही है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वो थिंग मंगा लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको तो आप पता ही चल गया होगा, क्या बताऊँ, ये है मेरी क्राफ्ट नोटबुक। अगर आपको क्लास में जो भी मैम बताती है, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता या ग्राफ करना नहीं आता, जो भी है वो आपको नहीं करना आता, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखो और फटाफट से सीख लो, बहुत ईजी होता है और बहुत मजा आएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये नोटबुक मत समझना, ये पेंसिल बॉक्स है। बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ उसके पेपर्स क्या होते हैं, मतलब कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स ग्राफ के पेपर्स ऐसे होते हैं, तो इसमें हम हेडिंग डालते हैं और वो सब लिखते हैं कि हमें किस बारे में बताना है, और यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। तो ये है चेक्स का, और चेक्स मैथ्स में भी होता है तो वैसे, और ये है हिंदी में जैसे लाइनिंग्स पेपर होते हैं वैसे। तो चलो पेंसिल निकालते हैं फटाफट से, इरेजर भी करती हुई तो ग्लू भी रखी लेती हूँ साथ में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखे हैं, तो क्वेश्चन हम रहने देते हैं, और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो भी आपके मैम कराते हैं, और ऐसे हमें लिखना है, ठीक है। तो हम फ्रूट्स के लिए करते हैं, तो हम इसके लिए भी निकाल लेते हैं। हाँ, तो